मिश्रा टाइम से आना चाहिए सर, क्या है ये सब, क्या है लफड़ा है सब। देखिए अरे बेनू जी के फिल्म में टाइम से कौन एक्टर आएगा? ये भी जय हो। उधर टाइगर साहब बैठे हैं बाहर। आ गए बोला संजय जी, लेकर हाय करें वो आदर जैन जी लेके चले गए। क्या बारिश हो रहा है क्या बाहर में? अरे बारिश होने लगा। आइए ना नारा जी, आइए ना। गणपति नहीं दिखा सकते, गणपति छोटे से। आइए ना, चलिए इस तरफ। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभु निर्विघ्नम भूमि देव सरकारे सु सर्वदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा भगवान मंगलम पूरी करे। बुलाओ पवन सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि इधर निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वज्ञ सु सर्वदा ओम गणपते नमो नमः। नारा को देखने के लिए मैं इसलिए अभी मैंने कहा कहीं आपके चैलेंज दे दे आदत भी आई मैं करूंगा। लोग कहते थे कि दो आदमी कभी तोड़ना नहीं होता है, लेकिन हमारा होता है खामोश टाइगर। अब है सब लोग कहते थे कि दो लोग कभी दुबले नहीं हो सकते, एक मनोज टाइगर और एक अनारा होता है। मैंने हो गई, आप हो गए, मुझे होना है। कैसे हैं मेरे भाई? अरे हाँ, हेलो, कैसे हो? अब अनारा जी के जैसे दूसरे लोगों का नाम आता रहे। क्या मांग रहे हैं आज नवरात्रि का पहला दिन है? सुपर हिट हो अपना फर्स्ट लुक भी आया। अच्छा, जय माँ बिंदुआश्रम का वहाँ लगा हुआ। अरे वाह, अभी करेंगे आओ। वेरी गुड। सीधा फल लगा हुआ है ना वहाँ, केला वाला कुछ रहे तो फिर डाल दीजिए। समझ एक नंबर थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हरा हरा महादेव। छोटे बाबा इस नाम का राज खोले। एक्चुअली मेरा नाम बचपन से छोटे और काम करने के दौरान बहुत लोग बाबा बाबा बोलने लगे। आज भोजपुरी के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, पिक्चर का मुहूर्त होना, साथ ही साथ जय माँ विद्वासिनी का पूजन। क्या कहना चाहेंगे? कल ही हम लोग ने डिसीजन लिया, ऐसा डिजाइन किया गया कि आज एक नवमी का प्रथम दिन है और माता रानी का दिन है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बधाई देना चाहेंगे? बधाई दूंगा कि ऑलरेडी इन्होंने पहले भी बेनू जी के साथ कई सारी पिक्चर पहले कर चुका हूँ और ये मेरे ख्याल से बलवा बिहार वाला के बाद दो साल की बात लगी है, बहुत काफ़ी अंतराल के बाद ये फोन कर रहा हूँ। तो बताइए सुपर हिट हो। सामाजिक मुद्दे पे सोशल फिल्म कह सकते हैं और इसमें बहुत ही सोशल इश्यूज़ को उठाने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी मैं बता नहीं सकता हूँ चूँकि एक बहुत सरप्राइज है फिल्म में। इसका
इसके अंदर जो हमारा हीरो है वो एक बहुत ही अहम किरदार में नज़र आने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है जो जैसे आमतौर पे फिल्मों के जो हीरो होते हैं उससे थोड़ा इसमें हमारा हीरो अलग नज़र आएगा। थोड़ा रिवेंज भी है, थोड़ा सामाजिक मैसेज भी है, थोड़ा सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ भी है, तो इस फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा हमारी फिल्म भाग्य विधाता। सर आपका परिचय? जी मैं जय सिंह, जय सिंह। कैसे जुड़े इस फिल्म से आप, एज ए प्रोड्यूसर? जी एज ए प्रोड्यूसर। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हम अपने भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नया कलाकारों को जो बीच में लाना चाहते हैं कलाकारों को, इनके सहारे जो छूटे हुए कलाकार पीछे हैं हमारे ज़िले के, उन लोगों को इन लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा वो। आपका नाम सर? वीरू ठाकुर सर। जी जी, मैं राइटर हूँ, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख रहा हूँ इस फिल्म का। किस तरह की स्टोरी है, एक लाइन में बात करें? जॉनर की बात कर सकते हैं, अभी स्टोरी रिवील तो हम लोग नहीं करेंगे, जैसा कि सर बताए आपको एक क्राइम ड्रामा है और सोशल और सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर बेस्ड होगा। बेलू जी आपके लिए डबल खुशी है आज। हाँ डबल खुशी, आप ही बता दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी फिल्म, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर जय सिंह जी जो साथ में खड़े हैं हमारे, ये जय सिंह जी जिन्होंने हमने दोनों ने मिलके इसके पहले भी एक फिल्म की है जय माँ विंध्यवासिनी, आज उस फिल्म का पोस्टर लॉन्च है, फर्स्ट लुक लॉन्च है, और आज ही हम लोगों ने एक डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम आज एक अपनी अगले प्रोजेक्ट, अगले फिल्म की प्लानिंग जो कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि 25 अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नवंबर तक हम लोग शूटिंग लोकेशन पे होंगे, जिसकी शूटिंग इलाहाबाद में की जाएगी। तो ये एक सच में हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि जहाँ एक तरफ हमारी फिल्म का मुहूर्त है वहीं एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च है, और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो जिस फिल्म के मुहूर्त है उस फिल्म के जो हमारे लेखक राइटर मतलब कथा पटकथा संवाद जो कह लीजिए वो हमारे वीरू ठाकुर जी का है, कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत लेट जुड़े हम लोग, लेकिन जब मैं जुड़ा इनसे बातें की, इनको समझा, इन्होंने भी मुझे समझा, तो मुझे लगा कि नहीं भाई काफ़ी अच्छी सूझबूझ है और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमेगी भविष्य में आगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे फिल्म के जो राइटर हैं वीरू ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा पैकेज जो हमारे इस फिल्म के लिए दिया है वो बहुत ही शानदार है। कोई खास मकसद? आज नवरात्रि का पहला दिन है, जय माँ विंध्यवासिनी का फर्स्ट लुक आ गया, क्या ट्रेलर आ जाएगा नवरात्रि के बीच में? फिल्म जय माँ विंध्यवासिनी का ट्रेलर तो आ जाएगा कुछ हमारे लेकिन इसको हम रिलीज कब करेंगे इसके लिए थोड़ी सी वो चल रही है, क्योंकि कई कंपनियों से हमारी बातें चल रही, तो अगर डिसाइड हो गया कंपनी के साथ हमारी बात होगी तो ट्रेलर बहुत जल्दी आ जाएगा। कितना आप कंफर्टेबल थे वीरू जी के साथ? माता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और माता के आशीर्वाद से ही आज भाग विधाता हम करने जा रहे हैं। बिलू भैया वगैरह सभी हम लोगों का एक परिवार बन चुका है। जी कितना परेशान करते हैं सेट पे पहले? थोड़ा थोड़ा। कुछ वाक्य बताएं नहीं जानना जानते हैं। हमारे भैया के अंदर हर तरीके का मिजाज है, जिस तरीके का जनता चाहेगी वो मिजाज। ये तो चलिए देखिए, मैं अब बतौर डायरेक्टर जो हूँ मैं क्या परेशान करूँगा। एक तो सबसे पहले हमारी जो भोजपुरी सिनेमा का एक जो एक लिमिटेड बजट होता है, तो उस लिमिटेड बजट के अंदर हमें काम करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस लिमिटेड बजट में हमें ना क्रिएशन बहुत ज़्यादा दिखाना होता है, क्रिएटिविटी की हद जो हमें हमारे अंदर जो खुजली होती है उसको भी शांत करना होता है। तो इस क्रम में अगर कहीं तनाव दबाव होता है तो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेहतरीन तरीके से काम करते रहें और अच्छा कभी हमारे प्रोड्यूसर को तकलीफ ना हो, जो हमने बजट डिसाइड किया उस बजट के अंदर सिनेमा को समाप्त किया जाए, जो समय निर्धारित है उस समय के अंदर फिल्म को ख़त्म किया जाए। हाँ प्रेशर ये जरूर होता है कि हमें कम समय में क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो ये सब प्रेशर तो रहता है।
यही सब चीज़ें हैं। बाकी हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक बेहतरीन सिनेमा फिर से आप लोगों के बीच लेकर आएँ, क्योंकि आप सबका प्यार जो है, हमारे दर्शक जनता, हमारे मीडियाकर्मी जितने हैं, इनका प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। मेरी जितनी सिनेमा है, जितनी फिल्में हैं जो अब तक रिलीज हो गई हैं, उन सबको हमारे जनता जनार्दन का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है और मेरी फिल्मों की चर्चा करके उसके बारे में बखान करता है कि नहीं भैया आपकी ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बहुत सुखद आनंद और सुखद अनुभूति होती है। धन्यवाद। ठीक, पूरा भोजपुरिया समाज के महादेव, आपके बाजू में वो खूबसूरत हसीना है, थोड़ा बता दीजिए। ये एक्ट्रेस अवंतिका यादव जी हैं और बहुत अच्छी अदाकारा है और हमारी कई फिल्में सब की हैं। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सब पे भी। मैम इतना खूबसूरत लग रही है, क्या राज है इसका। थैंक यू सो मच। वैसे आज मेरी डबल खुशी है, मैं डबल ट्रिपल, मैं कितनी खुश हूँ, आई डोंट नो मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या है कि आप पूरी ट्रिपल ट्रिपल फोर पता नहीं कितने खुश हैं, तो राज तो बता दीजिए। ये राज को राज ही रहने दीजिए। वैसे अभी मैं अपने घर का पूजा करके आ रही हूँ और आज मेरी नवरात्रि की आज... आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी। थैंक यू सो मच बाबा। और आज मेरी फिल्म का पोस्टर लॉन्चिंग है, सॉरी मैंने इनको बाबा बोल दिया, एक्चुअली ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये बहुत हमारी इंडस्ट्री के अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं बाबा बोलती हूँ इनको। तो और नई फिल्म का मुहूर्त, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गुरु जी को, अमरीश जी को और पूरी यूनिट को। कितना कंफर्टेबल थी जय मां विंध्यवासिनी में अमरीश जी के साथ काम करना? मैं तो अमरीश जी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ काम करने में और हम लोगों ने करीब 3-4 मूवी तो हम लोगों ने साथ में ही करी है। क्या बुराई है अमरीश जी में? अमरीश जी में बुराई तो कुछ नहीं है, बस हाँ एक चीज़ है कि वो डांटते बड़े प्यार से। ऐसी बात है, अच्छाई भी बता दीजिए। अच्छाई तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं और मतलब हम जब काम करते हैं हम एक अच्छे दोस्त की तरह काम करते हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब ये हीरो है, मैं ऐसा अच्छा लगता है काम करना। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे गुरुजी आपको प्रणाम और बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी दूसरी फिल्म है और जय मां विंध्यवासिनी तो हम लोगों ने साथ में करी है। ये मुन्ना भाई ये तो टिकटॉक स्टार, टिकटॉक नहीं रील्स स्टार है। सर सेल्फी प्लीज, रील स्टार के साथ सेल्फी नहीं। अच्छा, और आपके रील्स मैं हमेशा देखती हूँ, फॉलो करती हूँ आपको। थैंक यू। चलो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी के एक बेहतरीन अदाकारा मेरे साथ है और एक खूबसूरत चॉकलेटी स्टार अमरीश सिंह जी। मैम कैसी हैं आप? और आप भोजपुरी बोलने में कंफर्टेबल हैं? अगर अमरीश जी का प्यार की इजहार करें तो तेज बोले दर्शक के कान पर नहीं कम कर जाएगा। जवाब देना चाहेंगे मैं जवाब यह रउआ से हम इतना प्यार करीला और हम चाहिला कि जीवन भर रउआ से हम ऐसे ही प्यार करते हैं। जाहिर सी बात, मैं पीछे पोस्टर बहुत खूबसूरत लगा था, हाँ रउआ दोनों में बाने कुछ बताइए दर्शक लोग के। हाँ भाग्य विधाता, आज एक फिल्म का मुहूर्त हो रहा बा, हो चुकल बा, बस रउआ दर्शक प्रार्थना बा कि भाग्य के और विधाता के दोनों जोड़ के इतना आशीर्वाद दें कि हम दोनों जाने का भाग्य विधाता दर्शक लोग बाड़ी तो खूब प्यार दें और सुपर से ऊपर ऊपर हिट होगा ये फिल्म और हम लोग मन के लगे और अच्छे अच्छे। दोनों अभी तक कई सिनेमा में काम भी लगा, जैसे कि हम बता दें कि शुरुआती दौर में ही जब हम आईने पहली बार स्क्रीन और शेयर जब कहनी रील में हम दोनों की, हाँ हम दो तीन बिल्कुल
हमने शुरुआती दौर में मुझे जैसे मैं कहा जाएगा कि मैं अजय डेब्यू इनके साथ ही फिल्म की एक हम लोग प्रोग्राम और फंक्शन में कहीं मुलाकात हो गई थी बिहार जगदीशपुर आरा जिले में और उस फंक्शन के बाद मैं आया कट्टू दूसरे महीने से हम शूटिंग करना शुरू किया दो महीने तक हम काफ़ी डांस रिहर्सल क्योंकि मैं नया था अनुभव था सिनेमा का लेकिन काम करने का अनुभव नहीं था क्योंकि उसके पहले एक फिल्म थी त्रिनेत्र जो कि मैं उसमें कुछ फंसा गया था तो फिर वो इंडस्ट्री छोड़ गया था लेकिन जब ये बोले कि नहीं आपके अंदर इतना काबिलियत है तो आप एक्टिंग क्यों नहीं करते हो तो मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में आप खोते हो तो वहीं से पाने की ताकत रखते हो तो मैं हूँ मैं यहाँ से कुछ खोया तो जरूर था लेकिन मैं इतना सब कुछ पा गया हूँ कि अब वो खोने का दिल नहीं होता है तो मैं दिल से आज कहता हूँ कि मेरी पूरी उम्र इस सिनेमा के लिए हो और मेरे अपने लोगों के लिए मैम भोजपुरी के लिए आज डबल खुशी है एक तो भाग्य विधाता का मुहूर्त दूसरा जैमा विंध्यवासिनी का फर्स्ट क्या कहना चाहेंगे इस बारे में डेफिनेटली मैं प्रोड्यूसर जो है जय सिंह उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज नवरात्रि के फर्स्ट डे उनकी दोनों फिल्मों की एक का पोस्टर लॉन्च है और एक की लॉन्चिंग है तो दोनों का एक किस्म का लॉन्च ही है एक का बड़े पर्दे पे जाने का लॉन्च और एक का शूटिंग पे जाने का लॉन्च तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बेलू जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उनकी दो फिल्में हैं और अमरीश जी हैं दोनों फिल्मों में अमरीश जी बहुत अच्छे हर बार बोलते हैं कि अनारा ने किया था अनारा ने किया था बट अनारा ने मैंने वापस से एक रास्ता बताया था कुछ होती है वो आज जिस जगह पे है वो खुद मेहनत करके पहुंचे हैं खुद स्ट्रगल करके पहुंचे हैं सो आई थिंक सारा श्रेय उन्हीं को जाता है मेरा कोई श्रेय नहीं है मेरा सिर्फ इतना ही श्रेय कि वो मेरी मैंने उनको बताया कि आपको करना चाहिए बाकी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और आज इतने सालों बाद अगर मैं देखती हूँ अमरीश जी को तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में उन्होंने सीखा है और अब एकदम मंचे में कलाकार हो गए हैं चाहे वो एक्शन हो चाहे डांस हो चाहे एक्टिंग हो सो खुशी होती है अभी अभी एक खूबसूरत अदाकारी जुड़े हैं आप कुछ बताएं ये जो खूबसूरत अदाकारा है अभी मैं चाहता हूँ कि आप बीच में आ जाए दोनों खूबसूरत हैं मैं इसमें आके और खूबसूरत थोड़ा सा लगने लगा हूँ और मैं बता दूं कि अभी जल्द सेम प्रोडक्शन जिस प्रोडक्शन की हम भाग्य विधाता करने जा रहे हैं इसकी एक फिल्म कंप्लीट हुई है पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया आज फर्स्ट लुक हुआ है जिस फिल्म का नाम है जयमा विंध्यवासिनी उसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से जिन्होंने अपने आप को सवार के मुझे फंसाया है उस फिल्म में ये मोहतरमा है जिसका नाम है अभिनीता यादव और बहुत खूबसूरत इन्होंने काम भी किया है जैसे दिख रही हूँ वैसे उन्होंने काम भी किया है तो मैं चाह रहा हूँ कि और आगे अच्छे अच्छे काम करें और शुभकामना हमेशा इनके साथ होती है हमारी क्योंकि इनका भी कुछ रोल वही है जो मेरा रोल इनके साथ था तो बिल्कुल हम सब लोग एक चैन की तरह इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि चैन कभी टूटे ना क्योंकि गले का एक श्रृंगार होता है तो हम लोग उस गले का श्रृंगार बन के रहना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए अमरीश जी आप भोजपुरी के सबसे लकी स्टार हैं एक नहीं दो नहीं साथ साथ टॉप की हीरोइनों के साथ आपने इतनी बड़ी पिक्चर की है अपने आप में गर्व महसूस करते हैं या क्या कहना चाहेंगे मैं भाग्यशाली समझता हूँ भाग्य विधाता जो शब्द है आज मेरे फिल्म का टाइटल मैं अपने आप को वही समझता हूँ और मैं बिल्कुल लकी हूँ कि मेरे साथ जब मैं शुरुआत में आया अनारा जी के साथ तो बैक टू बैक मेरी एक फिल्म हिट हुई रावड़ी रानी मैं उसके बाद हमसे बढ़कर कौन किया अनारा जी भी थी उसमें सूटी छावड़ा थी रानी जी थी अंजना जी थी अपूर्वा बिट थी भंजन पंत थी बहुत सारे लोग और भी थे उसमें सीमा जी और भी सुशील सिंह जी अवधेश मिश्रा जी मनोज टाइगर इत्यादि बहुत सारे लोग बड़ी फिल्म थी और फिल्म बड़ी नहीं होती है हमारी सोच बड़ी थी उस समय तो हमने एक बड़ी फिल्म कर ली और आज भी वही सोच बरकरार है वही जज्बा भी बरकरार है आज इस जज्बे के साथ अनारा जी देखो सब लोग देख सकते हैं कि मैं उस अनारा जी को जानता था कि ये अनारा गुप्ता थी जम्मू कश्मीर से आई हुई लेकिन आज मैं देख के इनको मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये वापस पैदा होके आई है जम्मू कश्मीर से और मेरा मन हो रहा है सुबह सुबह मैं जब फ़ोन पे बात किया तो मेरा मैं बोला कि मेरा मन हो रहा है कि आप और हम फिर से स्क्रीन रोज शेयर करें और हम लोग साथ में काम करें क्योंकि ऐसा नहीं होता है खूबसूरती मेहनत हमेशा रंग लाती है उन्होंने मेहनत करके दिखाया और जो इंसान मेहनत करता है तो सफलता उससे दूर नहीं होती सफलता उसके साथ होती है
अंबिका मैम सबसे खूबसूरत और सबसे फिट लग रही है, क्या राज है इसका? इतनी क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी? नहीं वो तो इतनी शर्मा हो रही है, बताओ दर्शक को देखे गए। थैंक यू सो मच। वैसे मेरी खूबसूरती का राज है मैं अपनी फिगर पे करती हूँ, वैसे आपने तो जो मेहनत किया वो तो मैं भी नहीं करती। लेकिन आप बॉडी पे नहीं, लेकिन आप अपने काम पे फोकस रखो, उस पर मेहनत करो, अच्छी एक्टिंग, अच्छी डांसिंग, अच्छी उसमें। जैसे मैं भी आज भी बहुत जगह कमजोर होता हूँ, बेलू जी से हमारा कई बार सेट पे झगड़ा भी हो जाता है जब मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ। मौका तो ये भी है, कई बार थप्पड़ भी खाने का मौका मिलता है तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे डायरेक्टर होते हैं, गार्जियन होते हैं तो। लेकिन अभी ऐसे ऐसे मौके सर मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे डायरेक्टर बेलू सर आए, और साथ में हमारे बड़े प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा प्लीज आप भी आए, और क्योंकि ये दोनों भाई हैं, सकल से भी लगते हैं। और बिल्कुल जी बताइए, अनुभव कैसा रहता है मेरे साथ जब काम करते हैं? अवंतिका जी से क्या आखिरी सवाल, पिछले गणपति में आपका जो नाक का है वो था अनारा जी के पास, अभी नवरात्रि में आपके पास आ गया है, कुछ कौन जी वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है? मैंने अनारा जी से ही मांगा, बोला ना अनारा जी प्लीज लेते आना, अच्छी नहीं। अच्छा चल, अच्छा अच्छी बात है, आदान प्रदान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हो चाहे फैशन का हो, चाहे ऑर्नामेंट्स का हो, जो भी। बेटू जी अभी अमरीश भैया ने बताया कि सेट पे थप्पड़ खानी पड़ती है, क्या राज है वो भी? मुझे नहीं, अमरीश जी को थप्पड़ खानी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, ये भावना में कह रहे हैं। ऐसा नहीं, चूंकि एक मैं डायरेक्टर हूँ, और डायरेक्टर होने के साथ साथ अभी तो मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक्टर रह चुका हूँ, तो मैं एक एक्टर डायरेक्टर, तो थोड़ी सी थोड़ा मेरा जो फोकस होता है ना, मेरा खासकर पूरा पूरा फोकस ये होता है, और मेरा मानना भी है, थोड़ा बैकग्राउंड भी थिएटर से रहा है, तो हमारा मेन जो मकसद और फोकस वो होता है कि अगर एक्टर ने होल्ड किया हुआ है, अगर एक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर किसी का ध्यान भी किसी अन्य चीज़ों पर नहीं जा सकता, कि हम कैसे जगह पर मतलब बाकी सब ऐसे स्लीप पे नहीं ध्यान है, तो मेरा पूरा फुल फोकस होता है कि मेरा जो कतार है, मेरा जो एक्टर है, जो मेरे एक्ट्रेस है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करे कि देखने वाला ऑडियंस खो जाए। तो हाँ उसमें थोड़ी सी होती है, हम जो अपेक्षा करते हैं थोड़ा उन्नीस होता है थोड़ा कम, लेकिन हाँ ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए, और ऑब्वियसली बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर हमने तीन चार फिल्में एक साथ की हैं, तो आप हर फिल्म का ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने मतलब कितना ग्रो किया, और आगे और बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बहुत अच्छा सिनेमा लेकर आएंगे। आपके साथ छोटे बाबा भी बहुत सारे सिनेमा से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? छोटे बाबा हमारे एक बहुत खास मित्र हैं, और हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में की हैं, सबसे बड़ी बात है, और जुड़े हैं मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मैंने शुरुआती दिनों की जितनी फिल्में, अगर मेरी पहली फिल्म छोड़ दी जाए, उसके बाद मैंने बैक टू बैक कई सारी फिल्में छोटे बाबा के साथ ही की, और एक बहुत मतलब हमारा वो कॉम्बिनेशन रहा, और पहली फिल्म में हमारी हमारे गाने इतने हिट हुए थे छोटे बाबा के, और आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, लगा के मच्छरदानी और लाल टेन जरा के खराब, तो ये हमारी दोस्ती भी है, पहले प्रोफेशन तो अलग चीज़ होगी, उससे पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और छोटे बाबा आपसे जानना चाहेंगे कि बेलू जी डायरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी देख के कहीं आप नेक्स्ट फिल्म में लॉन्च तो नहीं करेंगे आपको? देखिए प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, हीरो भी है, हीरोइने भी, और साथ में चॉकलेटी स्टार विलेन के रूप में इनको तो मैं नहीं बोल सकता, मैं अपने को जानता हूँ, मैं जिंदगी में कभी नहीं करता। क्या वजह क्या है जो आपको हीरोइने पसंद नहीं करती है? मैं कैमरा देख के डरता हूँ। क्या वजह क्या है इसका? इसका वजह ये है कि मैं कैमरे से डरता हूँ, और मैं एक्टिंग अब मतलब होता है भाई, एक कैमरे के पीछे ये स्टार है, और ये स्टारों को मतलब तैयार करने में पूरा पूरा योगदान लगाते हैं, म्यूजिक से, गीत से, संगीत से, और अच्छी बात है, ये अपने काम के प्रति बहुत अच्छा रहते हैं, और ये तो बहुत मतलब और भी अच्छे अच्छे वैरायटी लेकर आ रहे हैं हमारी फिल्मों के लिए, बहुत भी बेहतरीन बेहतरीन गाने उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। अभी कल ही हम लोग म्यूजिक सीटिंग पे बैठे थे, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे। नवरात्रि का आज पहला दिन है, और आपके फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो जाते जाते एक जयकारा होना चाहिए माता का। जरूर जरूर, क्यों नहीं।
बाबा आप ही कुछ कल जो हुआ वही था ना अरे मन कहे सिलवट पे लो ओढ़ा से कुछ दी जवानी सबत संग कट ये मेरी फिल्म का गाना था बाबा बिहार वाला का और इससे हमारी दोनों की पहचान हो और इसके साथ हम यही कहना चाहेंगे कि सभा को विसर्जित करते हुए बोलो माता विंध्यवासिनी की जय हर हर महादेव जी बहुत एक्साइटेड हूँ आई थिंक हम साथ में काम करेंगे इस फिल्म में और मेरी और अमरीश जी की जोड़ी बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी हम लोगों ने बिगनी में बहुत सारी फिल्म्स एक साथ की हैं और एक ट्यूनिंग है अलग से और केमिस्ट्री भी है और आई थिंक इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी ऑडियंस को पहली फिल्म में और इस फिल्म में मतलब केमिस्ट्री में कितना बदलाव आया है बात करें बदलाव तो मेरा ही बदलाव है पहले वाली अनारा और अब की अनारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो वो एक चीज़ अलग है कि आज अनारा पहले जैसी नहीं दिखती आज अनारा बहुत डिफरेंट दिखती है और अमरीश जी तब नए नए आए थे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे थे आज वो मंझे हुए कलाकार हो गए हैं तो हमारा ये दोनों का चेंज होगा और ऑफकोर्स देखिए हम काम नहीं कर रहे थे बीच में बट हम लोग दोस्त हैं और एक दूसरे के घर के फंक्शंस और एक फैमिली हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं तो वो तो हमेशा से ही है इसलिए हम लोग उनकी केमिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई डिफरेंस आया होगा बट या और अच्छी होगी और नहीं होगी और जब ऑडियंस हमें एक साथ पर्दे पे देखेगी तो ज़्यादा एंटरटेन होगी क्योंकि अब हम दोनों की एक जोड़ी एक एक फ्रेश उसमें आएगी किस तरह की फिल्म अमरीश भाई पर बात करें ना फिल्म बिल्कुल काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी फिल्में अभी लॉकडाउन और लॉकडाउन के पहले भी और बीच में भी हमने की बहुत सारी पारिवारिक और फैमिलियर फिल्में और सब लोग बस यही कहते हैं बस फैमिलियर करो सेटेलाइट के लिए ऐसा नहीं होता है समाज में और भी चीज़ें हैं फैमिली के अलावा भी बहुत सारी जो कि अत्याचार हो रहे हैं बहुत सारी दुरुपयोग हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का जो मुद्दा उठ रहा है आजकल अभी लेटेस्ट मुद्दे हैं बहुत सारे अभी हमारे नशाखोर बहुत सारी चीज़ें जो है आपत्तिजनक चीज़ें भी हो रही हैं तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम और हमारे प्रोड्यूसर हमारे राइटर धीरू जी जो कि बहुत ही मजे हुए हैं काफ़ी फिल्में उन्होंने हिट दी है तो एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा शूट भी होगा और आप लोगों के बीच में जब आएगा तो बहुत मजा आएगा दर्शक देख के बहुत इंजॉय करेंगे कब से जाएगी शूट बिल्कुल आप कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं लेकिन ये हमारी और हमारे लिए एक नया लुक है और हम इसमें एक नया करने की कोशिश है और बिल्कुल अभी क्योंकि आज पहला मुहूर्त है तो टीम और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जय सिंह जी उन्होंने एक फिल्म बनाई जय माँ विंध्यवासिनी और बहुत प्यारी फिल्म है वो भी बहुत अच्छी फिल्म है तो उन्होंने कहा नहीं हमें नवंबर में फिल्म भी करना है तो थोड़ा सा हम और हमारी टीम बहुत जल्दी में सारी चीज़ें चयन कर रही हैं तो अच्छी फिल्म होगी बिल्कुल गैंगस्टर की बीवी खूबसूरत होनी चाहिए अगर आपने देखा होगा पीछे मुड़ के या आप 007 की बात कर रहे थे अगर आप जेम्स बॉन्ड की बात करते तो उसके जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं वो बहुत ऐसे हॉट ही होती है तो आई एम श्योर ये फिल्म में भी जो जेम्स जिनको जेम्स बॉन्ड का आप लोग बोल रहे हो तो ऑफकोर्स अगर बीवी हॉट होगी तो और अच्छा लगता है इतनी वेट कम किया आपने मैंने एक्चुअली अपने लिए कम किया है फिल्म तो ऑफकोर्स बीच में आ ही रही है मैं चाहती थी कि मैं अब डिफरेंट लुक में लोगों को दिखूँ और अब क्योंकि एकदम अलग दिखती हूँ तो ऑफकोर्स मेरे करियर में भी वो चीज़ें प्लस होंगी क्योंकि लुक डिफरेंट हो गया है और पतली हो गई हूँ और इंडस्ट्री में आप जितना अच्छा दिखो जितना पतला दिखो आप उतना अच्छा दिखते हो स्क्रीन पर तो आई थिंक मेरी करियर में प्लस होगा नहीं अभी कुछ नहीं मैं चाहती हूँ पब्लिक को जब मैं पोस्टर
डालू अपने सोशल मीडिया पे तो चीजें देखे लोगों को। अमरीश जी, फिल्म के गाने की बात की जाए, फिल्म में कितने गाने होंगे, कब तक शूटिंग होगी और कहाँ जाएगी? इस बार हम फिल्म में कम गाने रखे हैं, यानी कम बोल सकते हैं, 7 गाने ही हैं चूँकि डिसाइड हुआ है। और आज एक गाना रिकॉर्ड भी हो रहा है जो कि टाइटल सॉन्ग है, भाग्य विधाता। और ये 7 गानों को जो म्यूजिक कर रहे हैं छोटे बाबा, जो कि काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारे गाने हिट होंगे और अच्छे गाने होंगे। भाग्य विधाता, क्या अलग अलग नाम है? भाग्य अलग है, विधाता अलग है, दोनों एक ही है? देखिए, भाग्य और विधाता, जिसके साथ भाग्य होता है उसी के साथ विधाता होता है, और जिसके साथ विधाता होता है उसी के साथ भाग्य भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं, और भाग्य विधाता अपने आप में सबके साथ होना चाहिए, तभी उसका स्टार और उसकी चीज़ें आगे और रनिंग करती है और दौड़ती है। ऐसा लग रहा है पोस्टर से कि अमरीश जी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी फिल्में और इतनी साफ फिल्में कर रहे हैं। नहीं, मैंने फिल्में बहुत की है। मैं जब शुरुआत में आया तो मैं और अनारा जी एक फिल्म किए थे, हमसे बढ़कर कौन, भी बहुत बड़ी थी। और मैंने बहुत सारी हमेशा बड़ी ही फिल्में की है, छोटी भी बड़ी हो जाती है जब मैं करता हूँ तो बड़ी और छोटी कोई फिल्म होती नहीं है। हमारा जो कंटेंट और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बड़ा होता है, और हम कितना मेहनत कर जाते हैं वो बड़कपन है, और वही बड़ाई है, लोग पसंद करते हैं। कितना कंफर्टेबल है अमरीश जी के साथ काम करके? अरे, घर वाली बात है हमारी, तो आई थिंक मैंने और अमरीश जी ने साथ में इतनी सारी फिल्मिंग की है बिगनिंग में, और जब अमरीश जी नए आए थे। बिल्कुल। और आज मैं जब अमरीश जी को देखती, मैं रोकूंगा, मैं बताऊंगा कि जब मैं 2013 में हम लोग एक प्रोग्राम करने जगदीशपुर आरा गए थे बिहार में, और पहली बार अनारा जी थी उसमें, और बीना आनंद जी थे और मैं, और उसके बाद मैं मुंबई आया तो इन्होंने कहा कि आप फिल्में करो, तो हमने कहा कि कैसे करूं, तो मैं बिल्कुल आज वो दिन याद आता है, भाग्य और विधाता मेरे साथ हैं, और वो समय और आज का दिन है। मैंने काफ़ी फिल्में की, काफ़ी दौर अच्छे बुरे देखे सिनेमा से, और हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छा करूँ, तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और यहाँ नहीं हर जगह बोलता हूँ कि अनारा जी हमारी शुरुआती इस इंडस्ट्री में लाने वाली यही हैं। और बिल्कुल इन्होंने शुरू में जब पहली फिल्म वो टाइटल चेंज हो गया, युद्ध संख हो गया, उसका टाइटल ज्वाला था, पहली बार मैं कैमरा और पहली बार वो एक्टिंग, 2-3 महीने में वो डांस का रिहर्सल और एक्टिंग और सारी चीज़ें, और SL स्टूडियो हम जाया करते थे रोज़ शूटिंग करने, नाइट करके सुबह भोर में आया करते थे, तो वो सब पल और दिन याद है, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसी तरह रहूँ। मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है, लेकिन ज़रूर इतना बनना है कि लोगों को दिल में और लोगों को दिमाग में हमेशा बसे रहूँ, और मैं एक अच्छा काम करते रहूँ। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ अनारा जी को कि सदैव इसी तरह चमक रहे, और जैसे अपने अलग अलग रूप में आ रही हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि सिनेमा में भी अलग अलग रूप में दिखें, और मैं बिल्कुल इनके साथ हूं और ये हमारे साथ हैं। अमरीश जी, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप, अभी अभी आप नशा, आपकी आपत्तिजनक चीजें, ये सब बातें बोल रहे थे, तो जो कुछ चल रहा है बॉलीवुड में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें? मैं बिल्कुल कहूँगा, किसी का बेटा हो या कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है तो गलत है, खास मेरा ही बेटा हो या मेरा ही भाई हो या मैं ही हूँ, कोई भी किसी भी लॉ और कानून के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई भी घटनाएं कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में कानून है और हम उस कानून के तहत बहुत सेफ्टी और खुले दिल से जीते हैं तो खूब अपने मन से अच्छी अच्छी सिनेमा करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, तो बिल्कुल उसमें बाधा अगर कोई भी बन रहा हो तो उसको दंड मिलना चाहिए, और उससे दंड से आगे सीख भी मिलेगी लोगों को। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।